करा सरदार दर्शन सिंह जी टालियां क्रांतिकारी किसान यूनियन पंजाब ओ अपने विचार इस मंच तो सांझे करनगे। उन्हां तों बाद छोटी बच्ची कीरत कौर आसी कलां लुधियाणा तों उस स्टेज दे नेड़े ही रहन। सरदार दर्शन सिंह जी टालियां। बहुत ही सत्कारयोग भैनों वीरों प्यारे बच्चों, मैं तो पहला भी आज भी 3 महीने हो गए बुलारियां नूं बोलदियां नूं कई वीरां दे मन च यह गल जांदी है भी असी दूजी बारी मोदी नूं चुने अपनी कोई अपने लोकां दी ते मोदी दी लड़ाई है। जे मोदी मन जे ये काले कानून रद्द कर दे आपा खैर सुख आपो अपने पिंडां नूं बग जाइए। दरअसल सत्कारयोग वीरो ते भरावो गल इन्नी कि नहीं, जिमें अपनी किसानी दी मजदूरां दी एक जमात है इस तरह मोदी दे उपर भी एक सामराज घराणियां दी कारपोरेट घराणियां दी बहुत देसी कंपनियां दी एक जमात है। वह जिहड़े भी जिद्दे ने जिहड़े भी बणदे ने उस जमात दी तर्जमानी करदे ने। जे तुसी पिछला इतिहास देख लो जदों 4 दे विच पहली बारी कांग्रेस की सरकार बनी है उदों एक आवाज चली सी भी सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बनूगी, पर साम्राज्यां दे इशारे नाल मनमोहन सिंह नूं प्रधानमंत्री बनाया सी, क्योंकि जिहड़ा मनमोहन सिंह सी जिन्हें नरसिम्हा राओ वेले बतौर खजाना मंत्री जिहड़ियां आर्थिक ते सनअती नीतियां सी जिन्हों उदों गाइड समझौते नाल भी प्रचारिया सी उन्हां नूं बड़ी शान शौकत नाल लागू कीता सी। उन्हां दियां उहदे विच की सी तुहानूं मोटे जे मैं 3-4 नुक्ते सांझे करदा। पहली गल तां उहदे विच इह सी भी सारे कासे दा निजीकरण करना है, जाणी प्राइवेटकरण करना है। दूजी गल उहदे विच इह सी भी बचतां करनियां ने। तीजी गल उहदे च इह सी भी जिहड़ा सरकारी खेतर है जिहड़ा तुसीं कहिंदे हो भी साथों स्कूल खोले हस्पताल खोले आ 23 महकमे खोले हुण रेलां दा निजीकरण करी जांदे है, वह जिहड़ा संसार बैंक है जिहड़ियां नवीआं आर्थिक ते सनअती नीतियां है उहनां दे दिशा निर्देश है। उहदे विच इह सी भी जिहड़ी बाहरों पूंजी है जिन्नी मर्जी कोई लैके आ जाए सोडी लुट कसुट कर ले वह भी उहदे विच दर्द सी। जिहड़े हुण 3 खेती कानून चलते ने वह उन्हां दी इक कड़ी है, जिवें जिन्ना मर्जी कोई ना जमा कर ले आ जिहड़ा मार्केट दा भी मंडियां खत्म करांगे। मैं गल रखी है भी उन्हां ने कहा सी भी जिहड़े सरकारी इदारे है खत्म करने है, जदों किसी को पैन कार्ड होया वो मर्जी नाल मार्केट का 8.5% टैक्स नहीं दिंदा वो वध पा देगा ते सरकारी मंडियां दे कोले नहीं कोई जाना साडियां सरकारी मंडियां खत्म होणगियां। जदों सरकारी मंडियां खत्म होणगियां FCI का महकमा खत्म होगा, FCI का महकमा भी खत्म होगा मार्केट कमेटियां भी खत्म होणगियां। इस तरह जिहड़ी MSP की गल है MSP उहदे नाल जुड़ी हुई गल है। मोदी भावें कांग्रेस जिहड़ा ताकत दे विच हुंदा है उहनां सुधारां नूं लागू करन लग जांदा है, जिहड़ा बाहर हुंदा है वह विरोध करन लग जांदा है। जिवें MSP की गल है सन 2011 दे विच मोदी गुजरात का मुख्यमंत्री सी, जिहड़ा मुख्यमंत्रियों का वर्किंग ग्रुप सी उहदा चेयरमैन सी उन्हें डॉक्टर मनमोहन सिंह नूं एक लैटर लिखा सी
भी तुसी स्वामीनाथन कमीशन के मुताबक किसानों जिनसा दे भा दो। स्वामीनाथन कमीशन के मुताबक 23 फसलों के भा 50% मुनाफे के आधार से वो सरकारी खरीद के तौर पर भा बनते हैं, पर जदों मोदी की हुकूमत बन गई 14 च इन्हें वादा किया भी मैं 14 के मुताबक थोनू भा देगा। किसी ने सुप्रीम कोर्ट च पटीशन पाती उत्थे लिख के दे के आया भी असी जिहड़े भा ने ओह स्वामीनाथन कमीशन के मुताबक सोनू दे नहीं सकते। सो मेरी बेनती है वीरो, एक लड़ाई है, जमाती लड़ाई है, यह कोई प्रेम की नहीं, कोई बेनतियां की नहीं, यह उन्होंने पूरी लामबंदी करके देश पद्धर से लहरां उठा के यह जितनी पऊगी थाल च परोस के जे आप कही भी अपनिया यह मंगा मान लूगा तो आप इस गल तो भुलते हैं। ये जेड़े भी बदल बदल के बनते ने जिहड़ियां पानी दियां बारियां मंगो उत्तर काटो मैं चढ़ा करते हैं, ये मैं पक्के दावे ना कहना अपने नहीं है, ये इन्हां चों कोई अपना नहीं। इस भरम भुलेखिया नूं तुसी दूर कर लो। जे तुसी किसान लहर तकड़ी करोगे, मजदूरों दियां लहरां तकड़ियां करोगे, वह गुफड़े बना के लम्मे ते दड़ पूरे खाड़कू घोल लड़ोगे तो ही तुसी 3 कानून रद्द करा के जाओगे। उस तो बिना जिहड़ियां कर्जे दियां गल्लां ने जिहड़ा देश वेचण लगे होए ने ये सारे मसले लड़ाइया ना हल होणगे। जिहड़ा मतलब चोणां वाली गल है, ये संयुक्त किसान मोर्चे ने जो फैसला किया है ये भी आपां नूं मनना चाहिए। कल नूं जिहड़ा जाम है वह पहला जिहड़ियां 32 जथेबंदियां सी उन्हां ने 11 तो 5 बजे रखिया सी। जदों संयुक्त किसान मोर्चे की मीटिंग हुई उन्होंने 5 घंटे का रखिया 11 तो 4 बजे तक। सो असी सारे बेनती करते हैं भरावां नूं भैणां नूं भी आपां नूं समय ते जाके शांतिपूर्वक उस घराए घराओ दे विच भी हिस्सा लेना चाहिए। सो मेरा समा हो गया, इन्नियां मैं बेनतियां कीतियां सी थोड़े सारे भैण भरावां दा बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने अपने कीमती विचार रखे आ।